देखिए मैंने आपको एक चीज बोली है कि सबसे बड़ी जो चीज है वो क्या है, टाइम, टाइम है ना। और टाइम वैसे भी कीमती है। मैडम आई अलीगढ़ से आई आज, है ना, तो अलीगढ़ से स्पेशल मीटिंग के लिए तो नहीं आएंगे आप? नहीं सर, नहीं। हाँ, शादी में आएंगे। शादी में आए थे, फिर आपको बता रहा हूँ मीटिंग होगी तो उसका फायदा भी उठाया। ये हैबिट भी हर आदमी में नहीं होगी। आदमी कहता है शादी में आया हूँ, कब आएगा शादी में, दिल्ली आके चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, है ना। ये भी एक अंदर एक आदमी की इच्छा होती है। तो होगा क्या, जैसे जैसे आपका टाइम जो है अब वीकेंड के अंदर बढ़ता चला जाएगा, किसी को 2 महीने, किसी को 4 महीने, किसी को 6 महीने, कंपनी को तो 9 क्लोजिंग हो गई है, 10वीं क्लोजिंग हमारी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है ना। तो आपके सामने क्वेश्चन मार्क, जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन मार्क लगेगा, लोग आपसे बोलना शुरू कर देंगे कि भाई सर चेक दिखाओ, और अगर आपका चेक नहीं है तो फिर वो आपके दिमाग से खेलेगी, और खेलना जायज भी है, क्योंकि 8-9 महीने किसी कंपनी में अगर हम काम कर रहे हैं और थोड़ी बहुत भी लीडरशिप हमारे अंदर है, और मेरा मानना है 10-20 हजार का अगर पे आउट नहीं आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। और जब आपका चेक नहीं बनता तो लोग आपसे बोलते हैं कि कंपनी बेकार है, सिस्टम बेकार है, आपकी अप्लाई बेकार है, मैनेजमेंट बेकार है, प्रोडक्ट बेकार है, और ऐसे में फिर हमारा दिमाग जो है कहीं और कुछ ढूंढना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जितने भी सफल लोग हैं उनके अंदर 2 क्वालिटी होती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वैसे तो हर जगह पर 2 क्वालिटी देखी जाती है। सबसे पहले नॉलेज, उसका नॉलेज कितना है इस काम को लेकर, क्योंकि ये काम कैसे चलेगा नॉलेज से। अब ये भी नहीं हो सकता कि हम हमेशा नॉलेज ही लेते रहे, क्योंकि देखिए आपकी फैमिली है, जैसे मैंने बताया आपको, आपकी फैमिली है, आपका परिवार है ना, आपके परिवार को पैसा चाहिए। अब मीटिंग में जा रहे हो, 4-5 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, तो वाइफ अगर लेडी काम कर रही है तो हस्बैंड बोलेगा कि भाई आप जाते हो मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में, पैसा बताओ कितना आ रहा है। बिल्कुल सर, बोलते होंगे यस, है ना। आपको वाइफ बोलती होंगी यस, कितना टाइम हो गया, पैसा, क्योंकि दुनिया में थोड़ा उल्टे तरीके से चलती है। एक बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ता है कितने साल, 12 साल, और फिर वो आता है कॉलेज के अंदर कितने साल, 3 साल, टोटल कितने हुए। क्या कभी कोई माँ बाप उससे बोलता है कि पैसा क्यों नहीं कमा के लेके आता, नहीं बोलता है क्या, नहीं। और कई बार तो माँ बाप को यह भी देखा गया है हमारी तरफ से कि क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद भी बच्चे की जॉब नहीं लगती है, घर में बैठा है तब भी माँ बाप उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं। और कई जगहों पे ऐसा देखा गया है कि लड़के की शादी भी हो गई तब भी जॉब नहीं लगी उसकी, काम धंधा नहीं है, माँ बाप खिला रहे, होता है नहीं होता है। लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, हम इतना जरूर बोलेंगे कि 15 साल जब आप स्टडी करते हैं, बच्चा स्टडी करता है, किसी भी माँ बाप का फोकस नहीं होता है कि आप पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, पैसे का लालच किसी को नहीं होता। लेकिन जैसे आप नेटवर्क बिजनेस में आए, पहले महीने से ही हमारा ही माइंड कहना शुरू कर देता है पैसा क्यों नहीं आ रहा, बाकियों के बाद बाद में छोड़ दो। आपके साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन होते होंगे जिन्होंने ज्वाइन हुए सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदा हमारा E30, काम कुछ नहीं किया, महीने के एंड में पूछते होंगे आपसे भाई साहब पैसा तो कुछ आया नहीं। किसी ने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, उसको जो भी पॉइंट वैल्यू के हिसाब से पैसा आया 85-90 रुपीज के आसपास, वो कहता भाई साहब ये तो बहुत कम आया। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि देखिए टाइम हर चीज के अंदर देना पड़ता है, लेकिन टाइम भी तो एक हिसाब से दोगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन 5 साल की है, 7 साल की है, उसके बाद आपका पैसा आना शुरू होगा। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कई बार हमने देखा है, मैं तो बहुत टाइम से इस इंडस्ट्री के अंदर हूं, और आपको भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे, आपने भी अनुभव लिया होगा कि जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क बिजनेस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, सब मालूम है उनको, बेसिक्स क्या है सब मालूम है उनको, मीटिंग कैसे दी जाती है सब मालूम है उनको, स्टेज पे बुलाओ बहुत अच्छा बोलते हैं, है ना, किसी को सामने बैठाओ तो उसको सेटिस्फाई भी कर देते हैं। हमारे एक मित्र है, मैं नाम तो यहां शेयर नहीं करूंगा, उनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बहुत नॉलेज है, अथाह नॉलेज है, किसी भी कंपनी का नाम ले दो उनको सब कंपनी की नॉलेज है। लेकिन अगर उनके करियर को उठा के देखो, उनसे पूछो, उनके अगर करियर में झांक के देखो कि भाई साहब पैसा कितना कमाया, तो पैसा कुछ नहीं कमाते। उनसे मीटिंग करा लो, उनसे ट्रेनिंग करा लो, 10 आदमियों को, 100 आदमियों को, 1000 आदमियों को उनके सामने बैठा दो,
बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन खुद की इनकम जीरो। खुद किसी भी कंपनी में बहुत बड़ी इनकम वो नहीं ले पाए, तो ऐसी नॉलेज का क्या फायदा मुझे बताइए? कोई फायदा है? नहीं। है ना? अगर आपके पास नॉलेज है, आपने पढ़ाई की है किसी भी चीज में, और आप उससे पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो वो सब कुछ बेकार हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि आप भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे जो और भी टीम के अंदर कंपनी में लोग अलग अलग स्टेट से काम कर रहे हैं, मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, फिर पैसा क्यों नहीं आ रहा? फिर पैसा तो चाहिए ना, फिर पैसा क्यों नहीं आ रहा? इसके पीछे का एक ही रीजन है, वो यही है कि एक बार मुझसे लोग बोलते हैं कि जी कामयाबी का कोई शॉर्ट मंत्र बताओ कि डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब कैसे हुआ जाएगा, या वीकेंड में कामयाब कैसे हुआ जाएगा, कोई शॉर्ट एक लाइन का कोई मंत्र हो तो बताओ। तो मैं एक ही बात बोलता हूं, वो एक लाइन का मंत्र सिर्फ एक ही है, फॉलो द सिस्टम, इसके अलावा कुछ नहीं। अब जो इस इंडस्ट्री से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हो, क्या कर रहे हैं? सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपका चेक नहीं बन रहा है, आपकी टीम डेवलप नहीं हो रही है, तो आपने अभी बेसिक्स को सही तरीके से फॉलो नहीं किया। और डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक्स क्या हैं? सात ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा अगर आपका चेक नहीं बन रहा है। वन टू वन उस पर बात करते हैं। और ये एक ऐसी ट्रेनिंग है, बेसिक्स का मतलब क्या होता है? शुरुआत से, है ना? और जब शुरुआत ही गलत हो तो अंत गलत। आपको जाना है, इधर से इधर रास्ता जाता है दिल्ली से यूपी, आपको लखनऊ जाना है, और ये रास्ता जाता है दिल्ली से पंजाब, और आप पंजाब वाला रास्ता पकड़ लें तो कहां पहुंचेंगे? माइनस पे। पंजाब पहुंचेंगे, वहां जाके आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। यानी कि बेसिक, यानी कि शुरुआत अच्छी होनी जरूरी है, और शुरुआत में क्या काम करना है ये आपको पता होना भी जरूरी है। और 99% लोग, 90% बोल दूं, चलो 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग में फेल क्यों होते हैं? उनका एक ही फेल होने का रीजन है, उनके अंदर काबिलियत की कोई कमी नहीं होती, उनके अंदर क्षमता की कोई कमी नहीं होती, उनके अंदर हार्डवर्क भी बहुत करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, सब कुछ करने के लिए वो तैयार हैं, उनके ड्रीम्स भी होते हैं, लेकिन वो एक गलती कर देते हैं, वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते, वो सब लोग अपना दिमाग लगा के बिजनेस को करते हैं, या बहुत टाइम लगा देते हैं, बहुत टाइम के बाद उनको समझ में आता है कि सिस्टम की वैल्यू क्या है। प्लान पैसा नहीं देता आपको, प्लान तो हर कंपनी में, किसी भी कंपनी में चले जाए पैसा आता है, लेकिन फिर सब कंपनी में लोग पैसे क्यों नहीं कमा रहे? सिस्टम को फॉलो नहीं, हर कंपनी में लोग सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है वो पैसा कमा रहा है, जो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा वो पैसा नहीं कमा रहा है। और ये जो 5-7 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये क्या है कि जब आप सुनेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो हमें मालूम है, तो फिर हमारा सवाल है मालूम है तो फिर पैसे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि पैसा तो इसी से आएगा। मालूम होना और उस पर काम करने में फर्क है। तो पहली चीज, अगर आपको पैसा नहीं आ रहा वीकेंड से, तो पहली चीज आप अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप वीकेंड का प्रोडक्ट यूज करते? E30 जो हमारा प्रोडक्ट है, क्या ये एवरी मंथ आपके घर में आता है? पहला सवाल अपने आप से करो, ये आपको कामयाबी दिलाएगा। आपके पास कितनी नॉलेज है उससे मतलब नहीं है, ये E30 आपके अकाउंट में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपके घर में आ रहा है नहीं आ रहा है, सबसे पहले ये चेक करना। जो इंसान कहता है ना पैसा नहीं आ रहा, ये जो बातें मैं लिख रहा हूं उसको बोलो जी ये एक बातें आप बताओ कर रहे हो नहीं कर रहे, उसका आंसर आ जाएगा कि वो कामयाब हो रहा है नहीं हो रहा है। तो पहला काम क्या है? यूज द प्रोडक्ट। कामयाबी का पहला मंत्र क्या है? यूज द प्रोडक्ट। यानी कि आप जिस कंपनी में है उस कंपनी में जो आपको इनकम आएगी वो प्रोडक्ट से आएगी, उस प्रोडक्ट के वॉल्यूम से आएगी, और वो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो फिर काम नहीं चलेगा। मैंने जिम कॉर्बेट में एक बात बोली थी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते और दूसरे को बताना शुरू कर देते हैं। अब दूसरा आदमी पूछता है क्या ये प्रोडक्ट काम करता है, आपने खाया ही नहीं, आपको पता ही नहीं, तो जैसा वो बोलेगा आपको मानना पड़ेगा। लेकिन रसगुल्ला मीठा या नमकीन कैसे पता चलेगा? खाने के बाद।
अब आपने रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला मीठा है और सामने वाला कह रहा है रसगुल्ले में तो मिर्च ज्यादा है, तो आप मानोगे? तो अगर आपने E30 खाया है और E30 से आपके अंदर एनर्जी आने स्टार्ट हो गई है, आपके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो ठीक होनी शुरू हो गई है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आप लोगों को अच्छी तरीके से बताना शुरू करते हो। बिजनेस किससे चलता है? कॉन्फिडेंस से चलता है, ठीक है ना? तो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब उस चीज को आप इस्तेमाल करोगे, वो आपके ऊपर काम करेगी। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं अलग अलग कंपनियों में भी, उनको कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया, प्रोडक्ट की नॉलेज भी नहीं है और बिजनेस में लगे हुए हैं, काम नहीं चलेगा। तो पहला क्या चेक करना, अगर आपको पैसा नहीं आ रहा, क्या आप एवरी मंथ बगैर किसी के कहे अपनी कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है E30, क्या आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर जवाब नो है तो फिर पैसा भी नो ही है, इसके आगे तो समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला बटन गलत लग गया शर्ट का तो बाकी सारे गलत लगेंगे आगे जैसे, ठीक है? आप में से कुछ लोग देखते होंगे, कई लोगों के चेक बनते हैं लेकिन उसने खुद की खरीदारी नहीं करी, तो ये कैसा लीडर हो गया? मेरा मानना है कि ऐसा कोई लीडर जो खुद खरीदारी नहीं करता और टीम से खरीदारी कराता और फिर कहता है मुझे पैसा मिल जाए, तो वो क्या कर रहा है? उन लोगों को भी धोखा दे रहा है, उसको खुद नहीं मालूम कि बिजनेस क्या है, ठीक है? दूसरी चीज है सर, शेयर द प्रोडक्ट, यानी कि अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में अपने रिश्तेदार दोस्त पड़ोसियों को उसके बेनिफिट बताना। आप चेक कीजिए कि आप कितने लोगों को ये प्रोडक्ट शेयर करते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अभी तक कितने लोगों की है? मेरा मानना है डायरी सबके पास होनी चाहिए, उस डायरी में आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए आपका कि आपने कब शुरू किया और तब से लेकर अब तक कितने लोगों को आप पर्सनली या मीटिंग में लाके इनवाइट करके प्लान दिखा चुके हैं, आपको पता लग जाएगा कोई बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। तो शेयर द प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्या है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। अब जब एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट जो है ये क्या करता है, आपकी हेल्थ को अच्छा करता है और आपकी हेल्थ की नीड है, क्या है? नीड है, आपकी नहीं, हर व्यक्ति की शरीर की नीड होता है एंटीऑक्सीडेंट। तो आपके रिश्तेदार को भी जरूरत है, आपके दोस्त को भी जरूरत है, आपके पड़ोसी को भी जरूरत है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो सबकी जरूरत है, तो सबको शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस सर। आप पिछले 5 दिन के अंदर चेक कीजिए, पिछले 5 दिन में कितने लोग आपसे कॉन्टेक्ट में आए, कितने लोग मिले, 5 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पिछले 5 दिन चले जाइए आप, कितने लोग आपसे मिले और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीकेंड की बात और वीकेंड के प्रोडक्ट का शेयरिंग उनसे किया, आपको पता लग जाएगा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। एक गलती पता क्या है, हम लोग सोचते हैं यार इमरान सर तो नहीं करेंगे यार इस बिजनेस को चेक, इमरान सर से रोज मिलता हूं मैं, लेकिन इमरान सर इस बिजनेस को नहीं करेंगे, मैंने सोच लिया नहीं करेंगे, धारणा बना लेते हैं, सीधी सी बात। मैं हर बार बोलता हूं कि आप इस तरीके के व्यक्ति बन जाइए कि जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं और मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, हनुमान जी को जैसे देखें आप मंगलवार वाले दिन, बहुत सारे लोग मंदिर के बाद खड़े हो जाना बच जाके, एक आदमी जाएगा अंदर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएगा, उसके हाथ में लिफाफा होगा और बाहर आके वो खड़ा हो जाएगा और लेने वालों की लाइन लग जाएगी और घर जाते जाते उसका लिफाफा। तो जिस तरीके से मंदिर से बाहर आके एक इंसान प्रसाद बांटता है ना, उस तरीके से हमें प्लान बांटना है लोगों को, लेगा नहीं लेगा सामने वाले की मर्जी है, आपका फर्ज है उसको देना। अपने आप को चेक कीजिए कि आपकी जानकारी में जितने भी लोग आते हैं कि आप उनको वीकेंड के बारे में बताते हैं या प्री जज कर लेते हैं कि ये तो करेगा नहीं, और प्री जज आपके करियर को किल करेगा, आपको को भी ग्रोथ नहीं दे सकता प्री जज करना। अगर जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया, उसने प्री जज कर लिया होता, मेरी चाची की लड़की जिसकी वजह से मैं आज इस इंडस्ट्री के अंदर आया हूं, अगर उसने 25 साल पहले प्री जज कर लिया होगा कि नहीं मेरा भाई इस बिजनेस को नहीं करेगा, तो क्या अजय शर्मा होता? नहीं सर। और अजय शर्मा नहीं होता तो वीकेंड नहीं होती, और वीकेंड नहीं होता तो हाफ भी नहीं होते। जी सर। मैं गुमनामी के अंधेरे में कहीं अपनी नौकरी या बिजनेस कर रहा होता, मुझे वही 10-20-30-50 रिश्तेदार जान रहे होते, तो मेरी चाची की लड़की ने प्री जज नहीं किया, उसने सिस्टम को फॉलो किया कि आपके संपर्क में जो लोग आते हैं उनको प्लान दिखाइए, चाहे वो हां करें चाहे वो ना।
मैं आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण खड़ा हुआ हूं। मैंने अपनी चाची की लड़की को जो वो जिस कंपनी के लिए मुझे बुला रही थी, कम से कम 6 से 7 बार मैंने मना किया, बहाना बनाया उसको, मतलब आऊंगा लेकिन मैं टाल गया, मैं 7 बार नहीं गया, लेकिन वो पीछे पड़ी रही मेरे। आज वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, आज ही शर्मा इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो पहली चीज, किसी को प्री जज नहीं करना है। तो शेयर द प्रोडक्ट, अगर आप दिखाना शुरू करेंगे, बताना शुरू करेंगे, शर्म छोड़ दीजिए, संकोच छोड़ दीजिए, झिझक छोड़ दीजिए, ये जरूरी है, ठीक है। तीसरी चीज, यूज द प्रोडक्ट हो गया, शेयर द प्रोडक्ट हो गया, मेक ए लिस्ट। क्या आपने अभी तक लिस्ट बनाई? यस। मैं गारंटी दे रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं, उनसे पूछो लिस्ट दिखाओ, लिस्ट नहीं होगी उनके पास। और हमने 85 बार बताया होगा कि लिस्ट बनानी, जब मैं खुद एक्शन नहीं ले रहा हूं, मैं खुद सिस्टम का, अभी हमने क्या बोला, कामयाबी का मंत्र क्या है, फॉलो द सिस्टम, और फॉलो द सिस्टम क्या कह रहा है, मेक ए लिस्ट, और हम लिस्ट नहीं बना रहे। लिस्ट चलेगा? नो। क्योंकि हम इस लिस्ट वाले कॉलम को, लिस्ट वाले चैप्टर को इतना हल्के में ले लेते हैं कि लिस्ट की जरूरत क्या है, हमारा फोल्डर बना रहा है। और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बच्चे के जन्मदिन के लिए लिस्ट बनाते हैं, कीर्तन कराना हो कीर्तन में बुलाने के लिए लिस्ट बनाते हैं, शादी में लोगों को बुलाना उसके लिए लिस्ट बनाते हैं, लेकिन अपना जीवन और सामने वाले का जीवन बनाने के लिए हम लिस्ट नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, और इसमें 3 चीजें होती हैं इस लिस्ट में। सबसे पहली क्या है, सबसे पहली चीज होगी सर आपकी ड्रीम लिस्ट। क्या सपने हैं जो आप वीकेंड से पूरा करना चाहते हैं? मैं जब बीच में, मैंने कुछ टाइम डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दिया था, तो मैं कॉलेज वगैरह में बच्चों को वो देने जाता था, मोटिवेशनल ट्रेनिंग देने जाता था। तो उड़ीसा में एक सरस्वती जूनियर साइंस कॉलेज है कटक के अंदर, तो मुझे वहां इनवाइट किया, लगातार 3 साल में वहां पे गया। तो वहां जो स्टूडेंट होते थे, मैं उनसे पूछता था कि भाई आप स्टडी क्यों कर रहे हो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो? तो अगर मैं 10 स्टूडेंट को खड़ा करता था तो 9 कहते थे मम्मी पापा बोल रहे इसलिए कर रहे। सही बात है, कोई ड्रीम ही नहीं है। आप भी कभी नहीं करना, कोई बच्चा अभी ऊपर हमारे इधर आते हैं बैंक में, बहुत सारे बच्चे आते हैं, लाइन लगी होती है कई बार 2-2 घंटे की पेमेंट जमा कराने के लिए, फीस वगैरह किसी चीज के लिए। आप उनसे पूछो क्यों खड़े हो, किसने पढ़ाई कर रहे हो, मम्मी पापा बोल रहे हैं। कोई 100 में से 1 बच्चा होगा जो कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, इंजीनियर बनना चाहता हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूं, इसलिए मैं स्टडी कर रहा हूं, वरना 99% बच्चे सिर्फ अपने माँ बाप को खुश करने के लिए पढ़ाई करते। ऐसे ही 1% व्यक्ति होते हैं जिनको यह क्लियर होता है कि मैं नेटवर्क बिजनेस क्यों कर रहा हूं, 99% का तो क्लियर नहीं होता कि नेटवर्क बिजनेस कर क्यों रहा। तो पहली चीज ड्रीम लिस्ट, इस बिजनेस से आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ड्रीम ही आपको आगे बढ़ाएंगे। नेटवर्क बिजनेस किसका है, ड्रीमर्स का बिजनेस है, जो सपने देखने वाले उनका बिजनेस है, ठीक है। दूसरी लिस्ट किसकी होगी, नेम लिस्ट, जिन लोगों को भी आप जानते हैं, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, सबके नाम लिखिए पेपर पे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी लिस्ट क्या है, आपके डाउट की लिस्ट, क्योंकि जब ये बिजनेस करेंगे तो समय समय पे कुछ डाउट आएंगे आपके। कंपनी से रिलेटेड अगर कोई डाउट आपसे है तो क्लियर कीजिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए, प्लान से रिलेटेड कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए, और अगर कोई डाउट नहीं होगा, आप जैसी फील्ड में निकलेंगे कोई ना कोई व्यक्ति डाउट दिमाग में। और फिर मैं ये बात बोलूंगा, 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में जब डाउट डाला जाता है वो सही व्यक्ति से जाके पूछते ही नहीं, वो उस आदमी की बात को सच मान लेते हैं जो कहता है वीकेंड बेकार है, उस आदमी की बात सच मान लेते हैं जो कहते हैं कि प्रोडक्ट और प्लान में दम नहीं है। और डाउट किससे क्लियर करना चाहिए, जो उस सिस्टम में काम कर रहा है, मैनेजमेंट से कीजिए या अपनी अपलाइन से कीजिए। एक मजाक वाली स्टोरी है, उससे मैसेज बहुत अच्छा मिलता है, कि एक बार क्या हुआ कि एक आदमी की वाइफ खो गई, अब मिल रही थी, वो पूरा दिन इसने ढूंढा, बहुत हाईटेक जमाना नहीं हुआ करता था, तो रात को परेशान हो गया, और परेशान होने के बाद वो एक मंदिर के बाहर जाके भगवान के सामने रोने लग गया, और इतने दिल से उसने रोया और भगवान को पुकारा कि श्री रामचंद्र जी का मंदिर था, वो बाहर आ गए, और आके उन्होंने बोला क्यों रो रहा है, कह रहा प्रभु मेरी वाइफ हो गई है, प्लीज आप थोड़ा पता करके बताएं कि कहां है वो। तो भगवान ने कहा तू गलत दरवाजा खटखटा रहा है,
भगवान ने साइड में दिखाया एक छोटा सा मंदिर और था उनके बराबर में, कह रहे वो मंदिर देख रहे हैं, कहता हाँ किसका है, हनुमान जी का, कह रहे मेरी खोई थी वो लेके आए थे पता उन्होंने बताया था, वो ढूंढ के लाए थे कहाँ थी, तो गलत दरवाजा मत खटखटा, सही दरवाजा खटखटा। तो 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग में बाहर क्यों जाते हैं, क्योंकि वो जो डाउट उनके दिमाग में डाला गया है वो सही आदमी तक पहुंच ही नहीं पाते, वो गलत आदमी, क्योंकि डाउट डालने वाला तो चाहता है कंपनी छोड़ो। अगर कोई वीकेंड के बारे में आपको गलत बोल रहा है तो सुन लो उसकी बात, लिख लो डाउट, मैंने बोला लिस्ट बनाओ उसकी, फिर ऑफिस में आओ या जूम मीटिंग करो हमसे, या हमसे फोन पे बात करो, या अपनी एक्टिव इफेक्टिंग ग्रोइंग अपलाइन से बात करो, सर ये सवाल है इसका जवाब दो, कंपनी से रिलेटेड डाउट क्या है उसको क्लियर करो, आएंगे समय समय पे लोग आपके दिमाग में डालेंगे, बिजनेस प्लान से रिलेटेड डाउट, कैलकुलेशन से रिलेटेड डाउट आपके दिमाग में डालेंगे, प्रोडक्ट से रिलेटेड डाउट जो है आपके दिमाग में डालेंगे। तो ये लिस्ट बननी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, ड्रीम लिस्ट कभी खत्म हो सकती है क्या? डाउट की लिस्ट कभी खत्म हो सकती है? हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो 5-5, 10-10 लाख के चेक पे जाने के बाद, 20-20 लाख के चेक पे जाने के बाद डाउट में चले जाते हैं। तीनों ही लिस्ट खत्म नहीं हो सकते, ये तीनों नहीं, यहाँ लोग कह देते हैं खत्म हो जाएगी, ये भी खत्म नहीं होते सर, ये भी कभी खत्म नहीं होते। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे दोस्त स्कूल तक सीमित थे, मैं जब कॉलेज में गया मेरे दोस्त कॉलेज तक सीमित हो गए, मेरी बड़ी बहन की शादी हुई तो उनके जीजाजी के रिश्तेदार मेरे लिस्ट में एंटर हो गए, दूसरी बहन की शादी हुई उनके रिश्तेदार एंटर हो गए, मेरे पिताजी की रिश्तेदारी अलग थी जिनको मैं जानता था, चाचा ताऊ, मेरी मम्मी की रिश्तेदारी अलग थी, मौसी मामा नाना जिनको मैं जानता था, उसके बाद मेरी शादी हुई तो मेरे साले सास ससुर चाचा उनकी चचिया ससुर दुनिया भर की लिस्ट बढ़ गई, मेरी तीन बहनों की और शादी हुई उनकी लिस्ट बढ़ गई, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए उनकी भी लिस्ट है, ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होती है, क्लियर है, ठीक है। मेक ए लिस्ट, चौथी चीज, इसके बाद होता है इनविटेशन, जिन लोगों को आपने लिस्ट बनाया है इनको इनविटेशन देना है, कहां के लिए देना है, तीन जगह। इनविटेशन क्यों देना है, इसी में एक चीज ऐड कर देता हूं, इनविटेशन इसलिए देना है क्योंकि एसटीपी शो द प्लान, इन लोगों को वीकेंड का प्लान दिखाना, लिस्ट क्यों बनाई है, खाना खाने के लिए लिस्ट थोड़ी बनाई है उन्होंने, वीकेंड में आइए इसलिए लिस्ट बनाइए, और वीकेंड में क्यों आइए, क्योंकि उनकी भी जिंदगी बदलनी है और अपनी भी जिंदगी बदलनी है, क्योंकि टीम वर्क काम है, ठीक है। अब एसटीपी कहां दिखाना है उसको, या तो आप ये जो हमारी वीकली मीटिंग होती है इसमें लेके आ सकते हैं, यहां पे वीकली मीटिंग चल रही है इसमें आप लेके आ सकते हैं, उसके बाद वन टू वन में आप अपने घर में मीटिंग दिखा सकते हैं, उसके घर जाके आप प्लान दिखा सकते हैं, या अपनी अपलाइन के घर ले जाके प्लान दिखा सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी बड़े इवेंट में उसको इन्वाइट कर सकते हैं। तो चौथी चीज क्या है, लिस्ट बनाने के बाद जिनकी लिस्ट बनाई है उनको इनविटेशन देना है, और इनविटेशन दिखा के उनको प्लान दिखाना है, ये बहुत जरूरी काम है। इसके अंदर पांचवा पॉइंट जो है, अब आपने प्लान दिखाया उसको, प्लान दिखाने के बाद दो बातें होंगी, या तो वो यस बोलेगा या नो बोलेगा, लेकिन हम सुनना क्या चाहते हैं, यस। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है, हम एक ही चीज सुनना चाहते हैं, यस। एक नेटवर्क ने बहुत अच्छी बात बोली थी, मैंने तो 6-7 बार मना किया, उसने बोला कि मैंने तो अपनी अप्लाइंग को कम से कम 10 बार मना किया था कि मैं तेरे साथ नहीं जुड़ूंगा, और 11-12-13 बार में जाके मैं जुड़ा। तो अगर मैंने किसी को 13 बार मना किया है, 12 बार मना किया है, तो सामने वाला भी कम से कम तो 10 बार तो मुझे मना करेगा, उसके लिए हम तैयार नहीं। और आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी आपका नेटवर्क उतना बड़ा, ठीक है। तो अब जब यस बोलेगा तो टीम में आ जाएगा, और नो बोलेगा तो टीम में नहीं आएगा। अब जिन लोगों को आपने प्लान दिखाया है उनका नेक्स्ट स्टेप आता है फॉलो, क्या आता है फॉलो, ये बताते हैं कि ये फॉलो अप आपका लगभग लगभग 24 घंटे से लेके 48 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। हमारे साथ गलती क्या, हम प्लान दिखा देते हैं और इस हफ्ते उसको लेके आए, अगले हफ्ते बात करते हैं, हमें दोबारा चलना है क्या मीटिंग में, फॉलोअप कितनी देर में होना चाहिए, 24 से 48 घंटे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर
जो 5% काम होता है प्लान दिखाने का वो बहुत परफेक्ट तरीके से करते हैं, और जो 95% रिजल्ट जो देता है फॉलो वो हम नहीं करते हैं। प्लान दिखाया छोड़ दिया, प्लान दिखाया छोड़ दिया, प्लान दिखाया छोड़ दिया, प्लान दिखाया छोड़ दिया, फॉलोअप में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जबकि फॉलोअप से ही इंसान आता है। आपका बार बार फॉलोअप हो रहा था ना, एक मीटिंग रखी, एक मीटिंग रखी, एक मीटिंग रखी, एक मीटिंग रखी, मीटिंग रखनी शुरू कर दी आपने, ये बहुत ज्यादा जरूरी। मेरा किसी ने फॉलोअप किया तो मैं यहां आया हूं ना, आपका भी किसी ने फॉलोअप किया होगा तो आप यहां पे आए। और इसमें एक पॉइंट और जुड़ता है, वो है अब यहां पे आपको एजुकेशन लेनी है, क्योंकि बगैर एजुकेशन तो कुछ होगा नहीं, और एजुकेशन लेने के लिए मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार को अटेंड करना है। तो आज आप क्या ले रहे हैं, मीटिंग एजुकेशन। ये मत सोचो हमारे साथ कोई गेस्ट आया नहीं आया, ये सोचो कि मैं कुछ सीख के जा रहा हूं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में 15 साल पढ़ाई करनी है और ये वेस्ट नहीं जाती जो चीज हम समझा रहे हैं, क्योंकि ये भी हमें भी किसी ने घोट घोट के पिलाया। हम भी मीटिंग में आते थे, समझ नहीं आता था, उदास हो जाते थे, कई बार उबासी आ जाती थी, कई बार नींद भी आ जाती थी, कई बार बीच में चले जाते थे आंख बचा के, बाद में समझ में आया कि इसकी वैल्यू है। ठीक है, इसमें सातवीं चीज अगर मैं और जोड़ूं तो वो होती है टीम वर्क। आप इस बिजनेस में अकेले नहीं हैं, आप इस बिजनेस में आपके साथ एक टीम काम कर रही है, अनुभव लोग काम कर रहे हैं, अनुभवी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। अब मैं वापस ऊपर आता हूं, जिसका भी पैसा नहीं बन रहा, जिसकी भी इनकम नहीं आ रही है, पहली चीज चेक क्या चेक करनी है, क्या मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज क्या करनी है, क्या मैं लोगों को प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में बता रहा हूं। तीसरी चीज क्या मैंने लिस्ट बनाई है, आपने नामों की तो लिस्ट बनानी, लेकिन ड्रीम की लिस्ट है ही नहीं आपके पास। ड्रीम लिस्ट क्यों जरूरी है, आपने देखा होगा जब एक बच्चे लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके घर के अंदर सुंदर सुंदर फोटो लगाए जाते हैं लाके, क्यों, क्योंकि ड्रीम होता है कि हमारा बच्चा नहीं इतना सुंदर हो, ड्रीम के अंदर पावर होती है। अमीर इंसान कौन बनते हैं, वो लॉटरी सिस्टम तो खत्म हो गया, ऐसा तो है नहीं कि अभी जंगल में आप जाओगे कहीं है ना और अचानक एक घड़ा दिखाई देगा, आप घड़े में लात मारोगे उसके अंदर से खजाना निकलेगा, वो टाइम तो गया। गलती से अगर आपने वो पुराना मकान ले भी लिया और उस मकान में खुदाई शुरू भी करा दी और वहां से करोड़ों का खजाना निकल भी गया तो सरकारी है वो, आपका नहीं है, सरकार ले जाएंगे, ये क्लियर है, वो पैसा आपका नहीं है, चोरी छुप के आप छुपा लो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपकी जमीन में खजाना भी निकलेगा तो सरकार का है, तो शॉर्टकट तो कुछ है ही नहीं दुनिया के अंदर। तो लिस्ट बन, ड्रीम लिस्ट बनाइए नहीं बनाइए, नेम लिस्ट बनाइए नहीं बनाइए, डाउट क्लियर करते हैं नहीं करते हैं, जो डाउट क्लियर नहीं करते वो आउट हो जाते हैं। ठीक है, अगर पैसा नहीं आ रहा, चौथी चीज चेक कीजिए कि लिस्ट बनाने के बाद क्या आप लोगों को सही तरीके से प्रेजेंटेशन, सही तरीके से प्लान दिखा रहे हैं। उसके बाद चेक कीजिए कि जिनको प्लान दिखाया उनको फॉलोअप कर रहे हैं, और फॉलोअप के बाद उनको हम एजुकेट कर रहे हैं, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में लेके आ रहे हैं, इसकी वैल्यू बता रहे हैं, और लास्ट क्या हम टीम वर्क काम कर रहे हैं। अगर ये सारे काम आप नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या आना है, या तो जीरो आना है या थोड़ा सा रिजल्ट आना है। अब यही सारी की सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं तो क्या करना है, यही सारी की सारी चीजें अपने टीम से करवानी। अब इसके लिए किसी लीडर की जरूरत है आपको, क्या इसके लिए किसी और ट्रेनिंग की जरूरत है आपको, ये सात की सात पॉइंट आपके डायरी में लिखे होने चाहिए, और जो व्यक्ति आपके साथ जुड़े उसको बैठा के घोट घोट के बुला दो कि भाई साहब पैसा कमाना है, क्या करना है, सिस्टम क्या है, ये है सिस्टम। ठीक है, क्लियर है, एक बटन गलत बंधेगा तो ठेना मेरा सारे बटन गलत हो जाएंगे, तो ये सब क्रमबद्ध तरीके से हमें करने। ठीक है, अब ये हो गया, इसके बाद दो चीजों पे और चर्चा करूंगा जल्दी जल्दी, उसके बाद आप ही। अब कई लोग बोलते हैं सर ये सारे काम हम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट बड़ा स्लो मिल रहा है सर। ठीक है, अब यहां पे आता है माइंडसेट। अभी एक लड़का है, वैसे तो बहुत ट्रेनर भी समझाते हैं सारी चीजें लेकिन यूथ से आप अच्छी तरह समझ पाएंगे, जो चीज ट्रेनिंग में चलती है उससे हम अच्छी तरह समझ पाते हैं।
एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल करके एक लड़का है, प्रफुल्ल बिल्लोरे, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो ये बोल रहा है किसी भी काम में सक्सेस होने के लिए नॉन स्टॉप आपको 1000 डे लगातार काम करना पड़ेगा। मेरे सामने कई बार आ जाती है, कितना बोला उसने, नॉन स्टॉप 1000 डे। ये सोचना ही नहीं है कि मुझे प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा, नॉन स्टॉप 1000 डे। जिस भी काम में आप लगे हैं उसमें आप अपना 100% दीजिए। इनकम आ रही है नहीं आ रही है, ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके बाद सोचो ग्रोथ के बारे में। 1000 डे कितने हो गए? 365 साल। अब वो अगर बोलता 3 साल तो आदमी पागल हो जाता। उसने बोला 1000 दिन, बस 1000 दिन। भाई आज वो लड़का चाहे कुछ भी है, उसके आउटलेट लेने के लिए 3 से 5 लाख रुपए लोग दे रहे हैं ना, किस किस बात के, चाय का एक सेंटर लेने के लिए। कितना साल बोला उसने? 3 साल। जिसमें वो ये कह रहा है कि लाखों रुपए लगाने के लिए 3 साल का वेट करना पड़ेगा। आपने नेटवर्क बिजनेस में कितना पैसा लगाया? 0 पैसा। तो यहां वेट तो कर लो, कम से कम यहां पैसा तो नहीं लगाना पड़ा। वहां पैसा लगाने के बाद भी 3 साल वेट करना पड़ रहा है, और यहां पैसा नहीं लगाना और हम वेट वेट के लिए बोल रहे हैं, वेट करने के लिए तैयार नहीं हो, तो कैसे चलेगा? अब आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा, कई बार आपको बना के दिखाया होगा कई लीडर्स ने, आज मैं फिर आपको बना के दिखा देता हूं। ये भी स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, क्लियर है? यस। ये क्या लिखा मैंने? ये क्या है? Year, year, ये है आपके जीवन के 5 साल। पिछली मीटिंग में हमने बात की थी कई लोगों से, कोई 20 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 30 साल से नौकरी कर रहा है, 15,000 बैठ के पड़े। ऊपर बैंक मैनेजर साहब जो है हमारे 80,000 पे रिटायर हो गए पूरी जिंदगी में, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं कि जिंदगी में जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, वो 5 साल में पूरे हो सकते हैं, लेकिन इस 5 साल मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? आप कहते हो जी मैं तो प्रोडक्ट भी यूज कर रहा हूं, मैं तो प्रोडक्ट शेयर भी करता हूं, मैंने लिस्ट भी बना ली है, मैं प्लान भी दिखा रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट बड़ा धीरे आ रहा है। क्योंकि आजकल मार्केट में एक कुछ तथाकथित कंपनियां ऐसी हैं जो तरीके तरीके के गेम खेल के कई लोगों के चेक जो है रातों रात बड़े कर देते हैं, तो हमारा माइंड उनसे कंपेयर करना शुरू कर देता है अपने आप को। और कई बार जेन्युइन भी होता है, किसी इंसान का पे आउट जो है एकदम से तेजी से होता है, लेकिन जिसका पे आउट तेजी से बढ़ रहा है, आप ये देखिए कि उसके अंदर आपसे ज्यादा कितनी नॉलेज होगी, उसकी फेस वैल्यू भी आपसे ज्यादा होगी, उसके साथ कुछ ना कुछ टीम आई होगी, उस टीम को वो रेगुलर संभालता भी होगा, ट्रेन भी करता होगा, सीखे सिखाए लोग जब आपके साथ आते हैं तो आपका चेक तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ये कितने परसेंट लोगों के साथ होगा? मात्र 1 या 2% लोगों के साथ। 98% लोगों का बिजनेस स्लो ही चलना है। तो ऐसे लोगों की तरफ बिल्कुल भी अपना दिमाग मत लगाइए जिनका बिजनेस रातों रात बढ़ता है, ठीक है। 5 साल अगर आपने जिंदगी के दे दिए, तो कहते हैं 45 साल एक तरफ और जीवन के नेटवर्क बिजनेस के ईमानदारी के 5 साल किसी अच्छी कंपनी में एक तरफ। तो ये स्ट्रक्चर हमें भी समझाया गया था और हमारी समझ में आ गया, आपको भी इस स्ट्रक्चर को समझना है, केवल सुनना नहीं है, समझना है। पहले साल यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ये है काम, क्या है काम, और ये है आपके दाम, क्या है इनकम, दाम यानी इनकम। इससे ऊपर में होगा ना दाम? हाँ नहीं, ऊपर ये लिखा नहीं है, ऊपर ये जगह नहीं है, वहां दिखेगा नहीं ना, बहुत छोटा दाम दिखाई देगा, ठीक है जी सर। जब ये स्ट्रक्चर किसी टाइम में नेटवर्क बिजनेस मुझे समझाया गया था, तो उससे पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था यार काम तो चल नहीं रहा, काम तो चल नहीं रहा। लेकिन एक लीडर ने जब ये स्ट्रक्चर उस टाइम हमें समझाया, मेरी टेंशन खत्म हो गई। मैंने कहा यार जो ये बोल रहा है वो तो हो रहा है हमारे साथ, और वो इंसान बोल रहा था जो वाकई आपको सिस्टम से पैसा कमा रहा था। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि शुरुआती पहले साल काम होगा आपका बहुत ज्यादा और इनकम आएगी बहुत कम। अब जब ये हम बता रहे हैं आपको, भाई एक बच्चे को मालूम होता है ना, माँ बाप को मालूम होता है ना, 12 साल स्कूल, 3 साल कॉलेज और 3 से 5 साल एकेडमिक कोर्स, इसके बाद मिलेगी डिग्री, उसके बाद भैया वो काम करेगा तो पैसा
आएगा। माइंड सेट है या नहीं है? जब यहाँ माइंड सेट है लाखों रुपए लगाने के बाद, 15-20-25 साल देने के बाद, तो यहाँ 5 साल में माइंड सेट क्यों नहीं कर सकते हम? तो पहले साल मेहनत ज्यादा और पैसा कम। बोलो पहले साल मेहनत ज्यादा काम। आवाज में दम होना चाहिए। पहले साल मेहनत ज्यादा पैसा कम। पहले साल मेहनत ज्यादा पैसा कम। क्योंकि आप अकेले हैं, आपके साथ टीम छोटी है, आपकी ताकत ज्यादा लग रही है, लोग अभी आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। लेकिन एक साल के बाद हो सकता है आप 3,000-5,000-10,000 की इनकम पे पहुंच जाए। मैं 1 लाख की इनकम ही बोल रहा हूँ यहाँ पे। अगर एक साल में भी कोई इंसान 10,000 नेटवर्क बिजनेस से कमाना शुरू कर देता है, तो अब वो उन सब लोगों के लिए ड्रीम इनकम है जो 10,000 रुपए महीना जॉब से कमा रहे हैं। जी सर, वो तो आपकी बात मानी है ना। yes. जब आप उनको दिखाओगे यार तू देख 9 घंटे काम करके 10,000 कमाता, मैं नौकरी में 10,000 लेके आता हूँ, 10,000 यहाँ से भी आता है। अगले साल आपके साथ टीम थोड़ी सी बन जाएगी, वो अनुभवी हो जाएगी, तो काम हो जाएगा थोड़ा सा कम और इनकम हो जाएगी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तीसरे साल जब आपकी इनकम भी बढ़ रही है, कंपनी भी ग्रोथ कर रही है, एजुकेशन सिस्टम भी डेवलप हो गया, बहुत सारी चीजें हो रही है और लोग अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, टीम वर्क, तीसरे साल इनकम काम कम और इनकम और ज्यादा, चौथे साल और काम कम इनकम उससे ज्यादा, और पांचवें साल में उल्टा हो जाता है, जो चीज यहां थी काम ज्यादा पैसा कम, और पांचवें साल के अंदर दोस्त काम हो जाएगा कम और पैसा हो जाएगा बहुत ज्यादा। कितने साल टिकना है वीकेंड में? 5 साल। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस। अब इसको एक दूसरे तरीके से भी मैं समझाता हूं आपको, जिससे और अच्छी तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे। ये क्या है? एक का मतलब एक साल। पहला साल ये बिजनेस एक डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाएगा। क्या करता है? आपकी टीम में जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ बैठता है या आप अपनी अपलाइन के साथ बैठते हो, तो क्या आप क्या कहते हो? सर बहुत मेहनत करनी पड़ रही है सर। जी सर। सर बिजनेस चल ही नहीं रहा सर, लोग बात ही नहीं सुनते सर, इनकम ही नहीं आ रही सर, घर वाले परेशान कर रहे हैं सर। जी सर। सोच रहा हूँ छोड़ दूं सर, क्या कर रहे हो? रो रहे। तो हम क्या कह रहे हैं, पहले साल ये बिजनेस क्या करेगा? रुलाएगा। क्यों रुलाएगा? क्योंकि शुरुआत में आप हो सकते हैं बहुत पढ़े लिखे हो, आपके पास बहुत डिग्रियां हो बाहर की, आपको बाहर की दुनिया की नॉलेज है, आपको इस बिजनेस की नॉलेज नहीं है। इस बिजनेस में आप क्या हो? अच्छा, हकीकत में बच्चे हो, उम्र कितनी भी हो, लेकिन इस बिजनेस में बच्चे हो, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। और जब बच्चे का जन्म होता है तो पहले साल वो क्या करता है? तो अभी पहला साल है आपका, तो पहले साल ये बिजनेस आपको रुलाएगा। दूसरे साल ये बिजनेस आपको घुटने चलना सिखाएगा। दूसरे साल आपका रोना बंद हो जाएगा, है ना? उसके बाद थोड़े से जैसे बच्चा बड़ा होता है, फिर वो घुटने चलना शुरू कर देता है। आजकल के बच्चे एडवांस हो गए हैं, वो 2-3 साल में भी कर देते हैं, लेकिन मैं पुराना फार्मूला ही आपको समझाऊंगा। जी सर। क्योंकि इसी को माइंडसेट में लेके चलना है हमें, स्पीड नहीं पकड़नी है, क्योंकि स्पीड से क्या होता है? एक्सीडेंट होता है, हमेशा ध्यान रखना, अगर जरा सी मिस्टेक हुई खत्म, ठीक है? दूसरे साल ये बिजनेस क्या करेगा? घुटना चलना सीख लेगा। तीसरे साल ये बिजनेस खड़ा होना सिखाएगा। तैयार है? यस सर। ठीक है। और चौथे साल ये बिजनेस चलना सिखाएगा, और पांचवें साल ये बिजनेस दौड़ना सिखाएगा। अब आप पहले साल क्या करना चाह रहे हो? दौड़ना। आप पहले साल क्या करना चाह रहे हो? दौड़ना। तो आप प्रकृति के खिलाफ काम कर रहे हो। बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप उसकी गर्दन पकड़े और खड़ा कर दे, बेटा दौड़। पॉसिबल है? नहीं सर। तो पहले साल ये बिजनेस रुलाएगा। बोलो कि पहले साल ये बिजनेस रुलाएगा, दूसरे साल ये बिजनेस घुटने चलाएगा, तीसरे साल ये बिजनेस खड़ा सिखाएगा, चौथे साल ये बिजनेस चलना सिखाएगा, पांचवें साल ये बिजनेस दौड़ना सिखाएगा। क्लियर है? अब ये 5 साल आपको वो सारे काम करने हैं जो मैंने पहले बताए थे। ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्त आपकी कामयाबी ना है। नेटवर्क बिजनेस अमीर बनने का एक शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट में शॉर्टकट ढूंढने की गलती मत करो।
मैं आपके सामने खड़ा हूं और बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आपके सामने खड़े हैं, किसी भी कंपनी में चले जाइए, जिन्होंने अपनी कंपनी को ईमानदारी से 5 साल जो मैंने 7 काम बताए थे उसको करते हुए और अपनी टीम को करवाते हुए जिन्होंने काम किया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता उसने पैसा ना कमाया। अब कोई ऐसा भी होगा जो 5 साल देगा तो लेकिन काम कुछ भी नहीं करेगा तो उसको कुछ आने वाला नहीं है। तो आशा करता हूं ये सारी चीज आपको समझ में आई होंगी और इनके साथ आप काम करेंगे तो आप जो भी लीडर आपके साथ जुड़ेगा सबसे पहले तो ये देखिए जो 7 काम आपको बताए गए हैं वो आप ईमानदारी से अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर दीजिए, कसम खा लीजिए मैं करूंगा। और उसके बाद जो आपके साथ जुड़ता है उसको बोलो सर कामयाब होना है तो कामयाब होने की शर्त है ये 7 चीजें, और जैसे ही वो रोना शुरू करे ये फॉर्मूला बताना, ठीक है ये फॉर्मूला उसको बता देना, मैं ही लिख लेता हूँ, ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, बताया तो मैंने नोट कर।